ससुराल सिमर का में शादी वाला ट्विस्ट। सिमर और संजना ने बदला अवतार, वेटर के लुक में सिमर और संजना। क्या सिमर रोक पाएगी पीयूष अवनी की शादी? सीरियल ससुराल सिमर का में आज हो रही है अवनी और पीयूष की शादी, जहां आज भारद्वाज हाउस के सारे घर वाले सज धज कर टशन में तैयार हुए हैं। लेकिन भारद्वाज परिवार की इस अनोखी शादी से सिमर है नदारद। सिमर के बेटे की शादी हो रही है लेकिन सिमर तो है ही नहीं, सिमर गायब हो गई है। और सिमर का मैं और माताजी कब से वेट कर रहे हैं, सिमर का कोई अता पता नहीं है, संजना भी का भी कोई अता पता नहीं है। हम परेशान हो चुके हैं इस बात को लेकर। लेकिन इसमें भी कोई नई बात नहीं है, सिमर हमेशा ही गायब रहती है, पता नहीं वो क्या करती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, हाउ आर यू? आप सबका स्वागत है ससुराल सिमर का के सेट पे, और मैं हूँ नई एंट्री समर। आई थिंक समर विल सूट मी। अब पर्दा तो थोड़ी देर बाद उठेगा जब मैं गेटअप से बाहर आऊँगा। फिलहाल हमारी सिमर परेशानी में है तो समर आया है सिमर की मदद करने। समर और सिमर मिलकर भैरवी का जो है वो आज ढोल बजा देंगे और उसकी बैंड बजा देंगे, ये हमारा प्लान है। देखते हैं, सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। सिमर प्लस समर इज इक्वल टू सक्सेस। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सिमर से। जिसका बदला हुआ ये अंदाज आपके होश उड़ा देगा। वेल, पीयूष और अवनी की शादी को रुकवाने के लिए सिमर और संजना ने लिया है वेटर का अवतार, और आज फिर एक बार सिमर तैयार है बुराई का खात्मा करने के लिए। क्योंकि भैरवी हम दोनों को मार डालना चाहती है और हमें भारद्वाज परिवार को कुछ कहना है, ये शादी को रोकना है, तो इसलिए यू नो वी चेंज्ड आवर अवतार एंड वी've कम हियर। चलिए, यू नो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब लड़की से लड़का बनना, मूंछ लगा के, यू नो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लेस मेकअप करना पड़ता है। आई लव इट। बट ये मूंछ लगा के थोड़ा मुश्किल हो रही है। या थोड़ा थोड़ा, बट इट्स ओके, आई लाइक इट। चलिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने अपना गेटअप लिया है इस तरह से? नहीं, आई हैव डन द सेम अवतार इन इश्कबाज व्हेन आई वाज प्लेइंग रोमी। तो वहाँ पे आई वाज डूइंग दिस क्योंकि मुझे क्या करना था, शिवाय और अनिका ना, आई हैड टू ट्रबल देम, कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई हैड डन द सेम एग्जैक्ट गेटअप। चलिए, जब आपने अपना पूरा लुक लिया और सिमर जब सामने आए तो एक दूसरे को देखने के बाद, शी लुक्स सो क्यूट, या शी लुक्स सो क्यूट एंड शी इज लाइक, यू लुक लाइक चार्ली चैप्लिन। वेल, अब दोनों मिलकर कैसे करेंगी भैरवी और हेमा का काम तमाम, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं माँ बेटी यानी सिमर और संजना अपने इस वेटर वाले लुक में। बड़ा मजा आ रहा है, ऑल्दो दाढ़ी और ये थोड़ा, बट इट्स रियली फन बिकॉज मैं ऐसे कभी नहीं आई हूँ, और सबके रिएक्शन देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि हर आदमी ऐसे पहले ऐसे हो रहा है और उसके बाद ऐसे हो रहा है, तो कोई पहचान नहीं पा रहा है। नहीं तो नॉर्मली जब शोज में लुक चेंज होते हैं तो एक्चुअली यू कैन रियली मेक आउट कि कौन कौन है, पर अभी तक जितने मुझे रिएक्शंस मिले उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई नहीं पहचानी जा रही हूँ, तो इट्स रियली फन। सिमर का गेटअप लेने में तो समय लगता, चलो ठीक है, बहुत सारे, लेकिन जो समर का गेटअप लेने सच में टाइम लगा या फटाफट, यू नो? नहीं, एक्चुअली सिमर के गेटअप में टाइम नहीं लगता है, वो तो मतलब अब यू नो इट्स लाइक नेचुरल स्पॉन्टेनियस, अच्छा सिमर फट से बन गए। समर में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज दाढ़ी चिपकाना और मूछें और वेग, तो मेकअप तो आज सच नहीं है इतना, बट ये सब करने में, और पहली बार था ना आज, अभी एक दो बार और होगा तो हो जाएगा, तो बट हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट आई थिंक जितना डिफ़िकल्ट होता है उतना ही फ़न आता है, तो काफ़ी फ़न आ रहा है मुझे। और मैं सोच रही हूँ सारे लड़के जैसे दाढ़ी और मूछें लेके घूमते हैं, होंठों पर गुदगुदी नहीं होती, मुझे तो बहुत हो रही है। हाँ भाई, मैं सोच रही हूँ कि मतलब यार होंठों पे गुदगुदी हो रही है, यहाँ पे बाल लग रहे हैं बार बार, तो आई थिंक दे गेट यूज टू इट। मैं शायद पहली बार लगाया है, तो जैसे हम लंबे बाल लेके घूमते हैं, अगर लड़के लंबे बाल लेके घूमेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा, बट इट्स फन। लुक तो चले ठीक है, आपने ना अपना टोन भी बदल लिया, तो उसके लिए कुछ आज वीडियो तो कहीं देखा है?
नहीं नहीं कुछ नहीं है, कपड़े और ये सब पहनते ही बॉडी लैंग्वेज और ये सब अपने आप ही आ गया. आई थिंक दैट्स व्हाट बीइंग एन एक्टर इज, कि कपड़े पहन के मैं चल भी नहीं पा रही हूँ जैसे नॉर्मली चलते हैं. आई एम वॉकिंग ऑल्सो लाइक दैट एंड आवाज़ में अपने आप से ही बेस आ रहा है. शरद के साथ इतने टाइम से हूँ तो बेस तो आ ही जाएगा आदमी बनते ही. तो इट ऑल हैपन्स स्पॉन्टेनियसली. और अभी जो मैं सीन पढ़ रही हूँ मोस्ट ऑफ देम आर व्यूअर्स, तो मुझे ऐसे बोलना बोलना नहीं पड़ेगा. बट ऑफ कैमरा इट्स फन, तो वहाँ नहीं बोलना तो क्या हुआ, यहाँ पे तो बोल के अपने दिल की मुराद पूरी कर लेंगे. फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ.